ट्रक से जुड़े हुए सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रक भैया को। नमस्कार, ट्रक भैया में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का एक वीडियो, तुलना का एक वीडियो, जिसमें हमारा पहला ट्रक होने वाला है आइशर प्रो 3019 और दूसरा ट्रक होने वाला है टाटा अल्ट्रा 1918T। तो जानेंगे कि कौन सा है आपके लिए बेहतर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने शुरू की है आपकी फरमाइश, जहां आप लिखकर बता सकते हैं कि आगे आप किस ट्रक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। तो यहां पर हमारे दोस्त दीपक कुमार ने ये लिखकर कहा था कि उन्हें देखना है इन दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का ये वीडियो। तो आपकी फरमाइश पर हम लेकर आ गए हैं ये वीडियो। तो आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। पहले हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो दोनों ट्रक में बराबर हैं, यानी कोई अंतर ही नहीं है साहब। और फिर हम बात करेंगे ऐसी चीजों के बारे में जो कुछ 19-20 हैं, यानी कि जहां पर होने वाली है कांटे की टक्कर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वजन के बारे में। तो दोनों ही ट्रकों में यहाँ पर 18,500 किलोग्राम का वजन दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे इंजन सिलेंडर्स के बारे में, तो दोनों ट्रकों में ही 4 इंजन सिलेंडर्स दिए जाते हैं। टायर की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों ही ट्रक्स में हमें 295/90 R20 के टायर देखने को मिलते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ टायर्स यानी कि चक्कों की संख्या की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि दोनों ही ट्रक में हमें 6 चक्का देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूल टाइप के बारे में, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि दोनों ही ट्रक्स में डीजल यूज किया जाता है। गियर बॉक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर दिया गया है दोनों ही ट्रक्स में। और एमिशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, जिसकी आपको हमेशा चिंता रहती है, तो वो यहाँ पर मिलने वाला है BSX का शानदार एमिशन कंट्रोल दोनों ही ट्रक्स में। अब अगर हम बात करते हैं पावर स्टीयरिंग के बारे में, तो दोनों ही ट्रक्स में पावर स्टीयरिंग उपलब्ध होता है। आप सभी जानते हैं पावर स्टीयरिंग क्यों जरूरी होता है, ताकि आपके ड्राइवर भैया कम से कम थकें उनके सफर में और आपके बिजनेस की गाड़ी चलती रहे, लंबी दूरी तय करती रहे। तो चलिए अब बात करेंगे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही ट्रक्स में ये होना लाजमी है। और दोनों ही ट्रक्स में हमें एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपके ड्राइवर भैया के एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए टिल्टेबल स्टीयरिंग यहां पर दिया गया है। पार्किंग ब्रेक्स दोनों ही ट्रक में हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ यात्रा और व्यापार प्रबंधन के लिए टेलीमेटिक्स दोनों ही ट्रक्स में दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इंजन के बारे में, तो देखिए दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर हमें दोनों ट्रक्स में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो अब आपके ध्यान की खास जरूरत यहां पर होने वाली है। तो आइशर 3019 में हमें E494 CRS 3.8 लीटर वाला इंजन देखने को मिलता है, और टाटा 1918 में हमें टाटा 5.0 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इंजन पावर के बारे में, तो यहाँ पर आयशर 3019 में हमें 180 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलता है 2600 राउंड पर मिनट पर। और साथ ही साथ टाटा 1918 में हमें 177 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलता है 2200 राउंड पर मिनट पर। इंजन टॉर्क के बारे में अगर हम बात करें, तो आयशर 3019 में हमें 600 न्यूटन मीटर का इंजन टॉर्क देखने को मिलता है 1200 से 1800 राउंड पर मिनट पर। और साथ ही साथ वहीं पर हम बात करते हैं टाटा 1918 के बारे में, तो वहां पर हमें 700 न्यूटन मीटर का इंजन टॉर्क देखने को मिलता है 1000 से लेकर 1700 राउंड पर मिनट पर। व्हील बेस के बारे में अगर हम बात करें, तो आयशर 3019 में हमें 6690 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है, यानी कि अगर मैं इसे मीटर में बदल के दिखाऊं तो 6.690 मीटर। और अगर हम देखते हैं टाटा 1918 के बारे में, तो यहां पर हमें 4530 मिलीमीटर यानी कि 4.530 मीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आयशर 3019 में हमें 3800 सीसी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, और वहीं पर टाटा 1918 में 5000 सीसी का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि कहां कौन सी चीज बेहतर है। और अगर हम बात करते हैं केबिन के बारे में, तो आयशर 3019 में हमें स्लीपर केबिन देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें अल्ट्रा स्लीपर केबिन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एयर कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पर आयशर 3019 में एसी उपलब्ध नहीं होती है, वहीं पर आपको टाटा 1918 में ब्लोअर और एसी के विकल्प देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो आयशर 3019 में हमें
पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन देखने को मिलता है। रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो आईसर 3019 में हमें सेमी इलेप्टिकल सस्पेंशन देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें सेमी इलेप्टिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट एक्सल के बारे में तो आईसर 3019 में हमें फोर्ज्ड आई बीम रिवर्स एलियोट टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें टाटा एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी 70 रिवर्स एलियोट टाइप फ्रंट एक्सल देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं रियर एक्सल के बारे में तो आईसर 3019 में हमें हैवी ड्यूटी फुल्ली फ्लोटिंग सिंगल रिडक्शन 395 mm ड्राइव हेड वाला रियर एक्सल देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें टाटा सिंगल रिडक्शन RA1085 देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे क्लच के बारे में तो हमें आईसर 3019 में 382 mm डायमीटर वाला सिंगल प्लेट ड्राई टाइप क्लच देखने को मिलता है क्लच बूस्टर के साथ। और अगर हम बात करते हैं टाटा 1918 के बारे में तो यहाँ पर हमें 380 mm डायमीटर वाला पुश टाइप सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच देखने को मिलता है ऑर्गेनिक लाइनिंग के साथ। ऑर्गेनिक लाइनिंग से क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्लच को एक बेहतर लाइफ मिलती है, क्लच लंबा चलता है। फ्यूल टैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आईसर 3019 में हमें 190 और 425 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, वहीं पर टाटा 1918 में हमें मेटेलिक 225 लीटर और 365 लीटर का टैंक एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम के साथ देखने को मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आईसर 3019 में हमें D+1 यानी कि ड्राइवर प्लस वन की सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, और टाटा 1918 में हमें D+2 की सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो चलिए अब उस मोड पर आ गए हम जिसका आपको इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे दोनों ट्रक्स की कीमत के बारे में। तो आईसर 3019 जो है वो 21 लाख से 28 लाख रुपए के बीच में कहीं आता है, निर्भर करता है कि किस तरह के ऑप्शंस आप चूज करते हैं, किस तरह के विकल्प आप चुनते हैं उसके ऊपर इसकी कीमत निर्भर करेगी। और वहीं पर बात करें टाटा 1918 के बारे में तो वो 24 लाख से 27 लाख रुपए के बीच में कहीं आता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि विभिन्न स्थानों पर कीमतों में परिवर्तन हो सकता है और कीमतों के बारे में हम कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो ये था कंपैरिजन का एक और वीडियो ट्रक भैया की तरफ से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।